हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज है सैटरडे। सो आज पूरा दिन मेरा वीडियो शूट करने में ही गया है। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने शूट करी हैं आज और कुछ बैकअप्स बना रही हूँ मैं, बिकॉज़ मेरे फिफ्थ सैटरडे ऑफ नहीं रहता है और कई बार सैटरडेज़ को भी वर्किंग रहता है वर्क प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैंने एडवांस बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बीच में भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ जब मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई थी। हालांकि आप देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग बनी हुई नहीं है, बट आज सुबह मैं जा ही नहीं पाई किसी भी रीज़न से। बस यही सब चल रहा है और उसी के साथ मैं अभी जस्ट वीडियो बना के फ्री हुई हूँ। आज गेस्ट वगैरह आ गए थे और कुछ प्रायोरिटी बेस्ड भी वीडियोस थी, तो मैंने मार्केट जाना थोड़ा सा कैंसिल किया और इन पर फोकस किया। अभी काफ़ी सारा शॉपिंग हॉल बनाया है मैंने, इनकी वीडियोस तो इस व्लॉग से पहले ही आ जाएंगी। तो ये एक सूट है जिसमें मैंने अभी जस्ट वीडियो शूट किया ही है। अभी मैं करती हूँ अपना सारा लुक वगैरह चेंज, पसारा भी समेटती हूँ और उसी के साथ अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। पहले मैं हल्का फुल्का कुछ खाऊंगी जो भी एग्जिस्टिंग किचन में होगा। तो मैं आ चुकी हूँ दूसरे रूम में, अभी सारा पसारा वगैरह समेटूंगी और उसी के साथ आज काफ़ी सारी चीज़ें हुई। मशीन टाइम पर नहीं चला पाई थी, एक राउंड हो गया था, सेकंड राउंड में क्या हुआ लाइट्स ऑफ हो गई, फिर पानी चला गया और बटन प्ले करना भूल गई और फिर उसके बाद बस यही सब चल रहा था। तो अभी क्या है कि कपड़े भी धुल चुके हैं, बाहर बारिश भी आ चुकी है, सुबह वाले कपड़े सूख भी चुके हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें स्टफ यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपना मेकअप रिमूव, कंफर्टेबल क्लोथ में आती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे यानी कि संडे और मैं अभी बनाने जा रही हूँ किचन में अपने लिए चाय। बेसिक काम ख़त्म होने के दौरान ही गौरव लेकर आ गए हैं अच्छा सा टेस्टी नाश्ता, और दिन की शुरुआत अगर अच्छे नाश्ते से हो जाए ना तो पूरा दिन बन जाता है गाइस। गुड मॉर्निंग, तो अब हम मिल रहे हैं और मैं शावर वगैरह ले चुकी हूँ, अपना बेसिक जो रूटीन है वो काम भी कर चुकी हूँ। बस अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा एक से दो वीडियो बना लूँ और कुछ दिन में प्रेस वगैरह भी करनी है तो वो कर लूँ। वीडियो जब मैं शूट करूँगी तब मैं ऑब्वियसली उसको व्लॉग में तो इंक्लूड नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैव सम प्लान। तो कुछ एडवांस वीडियोज़ मैं शूट करके रख रही हूँ, अभी मैं उस कंटेंट को इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। बस अभी जस्ट शावर लिया है और नाश्ता वगैरह ऑलरेडी मेरा सुबह हो चुका है। सो लिप बाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं मेकअप करती हूँ तब लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ, तो उस केस में पहले से ही लिप बाम लगी होना तो लिप्स ज़्यादा ख़राब नहीं होते और उनका मॉइस्चर भी बैलेंस रहता है। तो बस अभी जस्ट शावर लिया है और जब तक मेरे हेयर सूखते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरी टाइम ड्रायर नहीं इस्तेमाल करती, तो मैं अभी आज भी ड्रायर इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बाहर मौसम ठीक है, धूप वगैरह आ रही है। बस अभी नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद अपना वीडियो वगैरह शूट कर लूँगी। तो बस इस तरह से मेरे दिन की शुरुआत वगैरह हो चुकी है एंड अभी नींद भी आएगा, आज तो नहीं आएगा वो, बट कल मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरी सारी प्रिपरेशन रेडी है यहाँ पर और सब कुछ रेडी है, इधर भी मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, तो होपफुली उसको सब अच्छा लगेगा। और उसके अलावा उसके पापा जा रहे हैं उसको लेने के लिए कल, तो वो भी जाएंगे। तो अभी है दिन का टाइम और मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ अपनी वार्डरोब, जो कि मैंने प्रेस कर कपड़े रख दिए थे कल रात में ही, सो दैट मेरा काम ख़त्म हो जाए। और अब है नेक्स्ट डे मंडे और यहाँ पर नीत भी आ चुका है और वो अपना सरप्राइज़ देख के बहुत हैरान हो चुका था। हालांकि ये बहुत देर बाद की क्लिप है और हमने सेलिब्रेट किया है केक के साथ, राम आएंगे थीम का केक बनवाया। तो नीत को और मुझे ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी नहीं पता था कि गौरव कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो अब हम मिल रहे हैं सीधा नेक्स्ट संडे। मैं उस दिन ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई किसी रीज़न से, और उसके अलावा आज है संडे और आई हुई है मेरी सिस्टर और नीत भी आ चुका है, उसका सरप्राइज़ भी बहुत अच्छे से गया। उसका रिएक्शन मैं कैद नहीं कर पाई क्योंकि तब मैं ऑफिस थी, जब वो यहाँ आए तो मैं यहाँ थी नहीं, तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। और जब तक मेरी सिस्टर को याद आया तब तक वो ऑलरेडी सारे सरप्राइज़ देख चुका था और बहुत अच्छा रिएक्शन था उसका। एंड मम्मी ने भेजा है अचार, अचार के साथ ही यहाँ पर भेजी है मम्मी ने बर्नी, क्योंकि मैं एक बार पहले रैंडमली बोल रही थी कि मुझे अचार की बर्नी लेनी है ऐसा, तो मम्मी ने वहाँ ख़रीद के रख ली। 1 kg अप्रोक्स इसमें आ जाता है लगभग, और
मम्मी ने पता नहीं कब खरीदी है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में खरीदी, लाइक मैं तो महंगी ही खरीदती, तो उन्होंने वो भी भिजवा दी साथ साथ। सो यहाँ पर अभी मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने यहाँ चॉपिंग कर दी है और बैंगन को मैंने बॉईल किया है। मैं बॉईल करके बनाती हूँ, मुझे सेकने का जो वे है ना वो नहीं पता चलता है अभी, इतना मैंने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है, तो बस यहाँ पर उसकी तैयारी कर दी है। तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड भी आई हुई है, वो अभी एक दिन यहीं रहेगी, लगभग दो दिन। सो उसके कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह हैं कल मंडे को, तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ बैंगन का भरता। उसी के साथ कुछ अच्छी चीज़ें और भी बना रही हूँ, लाइक सिंपल खाना बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं कर रही, क्योंकि मुझे आज शूट भी करना है और इकलौता संडे है, कल फिफ्थ सैटरडे था और मेरे ऑफ नहीं रहता है फिफ्थ सैटरडे को। तो बस वही यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह करी है, सुबह हमने एक बार पोहे बना के नाश्ता कर लिया है। ये बैंगन का भरता मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जिसे मैंने अपने कॉलेज टाइमिंग में सीखा था। तेल रखा, उसमें राई जीरा फ्राई होने के बाद लहसुन फ्राई किया, उसके बाद प्याज को ब्राउन होने तक पकने देंगे, देन उसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी और साथ ही धनिया पाउडर, और जब मसाला अच्छे से पक जाएगा और प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे, तब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे टोमेटो, जो कि मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर दिए हैं। जब टोमेटो अच्छे से पक जाते हैं, उसके बाद हम डालेंगे हमारा जो बैंगन का प्यूरी है, और ये ईजी ही मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, सो दैट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी खाना भी मिल जाता है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, जिसमें मैंने ऑलरेडी ग्रेवी बना दी थी और उसे मिक्स कर दिया था, और यहाँ पर मैं उस मसाले को अच्छे से पकने दूंगी। पकने के बाद मैं इसी में मसाले ऐड करूंगी, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च और उसी के साथ धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें अपनी उबली हुई जो दाल है वो ऐड ऑन कर दूंगी और उबाली आने तक इसे पकने दूंगी। सो दैट ये रेडी है मेरी ग्रेवी वाली मिक्स दाल, और ये है मेरा फाइनल खाना, जिसमें मैंने जीरा राइस भी बना दिए थे साथ के साथ, और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। तो अभी हो चुकी है शाम और इस वक्त मैं कर रही हूँ एक बार रूम की सफाई, जनरल सफाई होती है, सारी चीज़ें ठिकाने रखना, क्लोथ्स वगैरह समेटना एंड बेडशीट वगैरह सही करना, क्योंकि मैं एवरी संडे इवनिंग में भी झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि पूरे दिन घर पे रहते हैं ना, तो कोई ना कोई गंदी हो ही जाती है। अभी हम शाम को ही मिल रहे हैं सीधा। सो क्या हुआ कि मैं दिन में सो गई थी और इतनी गहरी नींद में सोई थी ना, कि 3 घंटे आराम से मैं और नींद दोनों सो गए। एंड आज कोइंसिडेंटली देखिए, हम दोनों येलो कलर की ड्रेस में हैं। आज मैंने ये न्यू कुर्ता ट्राई किया है, इसका शॉपिंग हॉल ऑलरेडी आपको मिल जाएगा चैनल पर, तो ये मैंने घर में पहनने के लिए मंगवाए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है, कम्फी है, और एकदम अभी तक इसे एक बार भी वॉश नहीं किया है मैंने, ये बिल्कुल नया का नया है, बट स्टिल ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। सो गाइज, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, ये एक छोटा सा एवरीडे रूटीन का ब्लॉग था। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, उन लोगों ने सबने पीछे देखा है, आपने पीछे देखा नींद के सरप्राइज का, आपने स्कूल में बनाया था ना। हाँ, तो आप लोगों ने देखा, नींद को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, आई होप आपको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब मिलते हैं माई नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।